सो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत कुछ आप लोगों को इस कहानी से सीखने को मिलेगा। कहानी का टाइटल है चरित्रहीन। फूल खिलने दो, मधुमक्खियाँ अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। एक बार एक बुजुर्ग को उनके बातों से प्रभावित हो एक औरत ने उन्हें अपने घर खाने का निमंत्रण दिया। बुजुर्ग निमंत्रण स्वीकार कर उस औरत के घर भोजन के लिए चल पड़े। रास्ते में जब लोगों ने उस औरत के साथ बुजुर्ग को देखा तो एक आदमी उनके पास आया और बोला कि आप इस औरत के साथ कैसे? बुजुर्ग ने बताया कि वह इस औरत के निमंत्रण पर उसके घर भोजन के लिए जा रहे हैं। यह जानने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि आप इस औरत के घर ना जाएं, आपकी अत्यंत बदनामी होगी क्योंकि यह औरत चरित्रहीन है। इसके बावजूद बुजुर्ग ना रुके। कुछ ही देर में यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आ गया और बुजुर्ग से उस औरत के यहाँ ना जाने का अनुरोध करने लगा। विवाद होता देख बुजुर्ग ने सबको शांत रहने को कहा, फिर मुस्कुराते हुए मुखिया का एक हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और बोले, क्या अब तुम ताली बजा सकते हो? मुखिया बोला, एक हाथ से भला कैसे ताली बजेगी? इस पर बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो अकेली औरत कैसे चरित्रहीन हो सकती है? जब तक कि एक पुरुष उसे चरित्रहीन बनने पर बाध्य ना करे। चरित्रहीन पुरुष ही एक औरत को चरित्रहीन बनने पर जिम्मेदार है। यह कैसी विडंबना है कि इस कथित पुरुष प्रधान समाज के अभिमान में ये पुरुष अपनी झूठी शान के लिए औरत को केवल अपने उपभोग की वस्तु भर समझता है और भूल जाता है कि जिस औरत को वह चरित्रहीन कह रहा है उसका जिम्मेदार वह स्वयं है। चरित्र ही सफलता अथवा असफलता का घोतक है। चरित्र सफल है तो जीवन भी सफलता की ओर बढ़ेगा, किंतु चरित्र असफलता की ओर अग्रसर है तो जीवन अवश्य पतोन्मुख होगा। आज की कहानी आप लोगों के कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।